His four liners are more than enough to keep us contemplative about life in all the four seasons of life. His sense of humor that is coined in his casual talks brings a smile on us always. And what about his presence? His presence itself makes us to feel at ease as if swinging like a feather. That is our Bimalji. I would like to invite Bimalji to entertain us with his poems and ghazals today. वेलकम वेलकम बिमल जी। वेलकम थैंक यू जी, बिमल जी। थैंक यू। एक बार फिर सबको नमस्कार, आदाब। और एक बार मैंने एक गलती की थी, वो फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो आदत आदमी को बचपन से पड़ जाती है ना, वो पड़ जाती है। मैंने एक छोटी सी सीक्रेट राजेश जी को बता दी थी, तो वो मेरी टांग खिंचाई होती रहती है अक्सर, वो अंगूर की बेल वाली। तो वो एक गलती मैं दोबारा करने जा रहा हूँ, पर वो उसके साथ एक बहुत मजेदार गजल जुड़ी हुई है, तो वो मैं बताता हूँ। किसी से नाराज होके मैं उतर गया बस से, फिर किसी ने मना लिया, तो मैंने एक गजल किसी को मोबाइल पे सुनाई थी, वाह और हालात ये हो गए थे, वो गजल आपको सुनाने जा रहा हूं, कि उस बंदे का रास्ता भूल गया और अपना बस स्टैंड भूल गया, और वो दो तीन स्टैंड आगे निकल गया। वाह, ये गलत तो नहीं, पर भूल गया या भूल गई? ये अपना दिमाग आप खुद लगाइए। अभी आप गजल सुनो। वो ये जो मैंने सुनाई थी किसी को, ये ऐसी गजल है उषा जी के लिए। मैं आपको एक एक शेर के बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करूंगा, पर आप ये बशीर बद्र जी की गजल है, और आप एंजॉय करेंगे, बहुत मीनिंगफुल और बड़ी कमाल की। और फिर बशीर बद्र जी के बारे में आपको मैं बाद में थोड़ा सा बताऊंगा, पर अभी आप उनकी गजल एंजॉय कीजिए। सरे राह कुछ भी कहा नहीं, आम रस्ते पर सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर मैं गया नहीं। सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर मैं गया नहीं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूं, उसे आज तक ये पता नहीं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूं, उसे आज तक ये पता नहीं। In this couplet, poet says that in a way I have never said anything to her, nor I have visited her house, but I belong to her from many lives. Even this she doesn't know till date. Even this she doesn't know till date. Second couplet is, उसे पाक नजरों से चूमना भी इबादतों में शुमार है, उसे पाक नजरों से चूमना भी इबादतों में शुमार है, कोई फूल लाख करीब हो, कोई फूल लाख करीब हो, कभी मैंने उसको छुआ नहीं, कोई फूल लाख करीब हो, कभी मैंने उसको छुआ नहीं। टू किस हर विद आइज इज लाइक प्रेयर्स टू मी, टू किस हर विद आइज इज लाइक प्रेयर्स टू मी, एंड फ्लावर्स मे बी वेरी मच क्लोज टू मी, आई हैव नेवर इवन टच्ड देम,
I have never even touched them. ये खुदा की देन अजीब है के इसी का नाम नसीब है, ये खुदा की देन अजीब है के इसी का नाम नसीब है, जिसे तूने चाह वो मिल गया, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं. This is a strange gift of God to me. That is my destiny. This is a strange gift of God to me. That's my destiny. To whosoever you loved, you got it. To whosoever you loved, you got it. But to whosoever I loved, I never got it. Is shehar mein kai saal se मेरे कुछ करीबी अजीज हैं. ये मॉडर्न जमाने पर एक बहुत बड़ा स्टार है. वो कह रहा है कि कई सालों से मेरे बहुत नजदीकी रिश्तेदार दोस्त यार मेरे पास रह रहे हैं. इस शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, मुझे उनका कोई पता नहीं, उन्हें मेरी कोई खबर नहीं, मुझे उनका कोई पता नहीं. In this city there are many my close relations, younger ones are living since long, but neither they have any information about me nor I have any news about their well-being. Sare raah kuch bhi kaha nahi, kabhi uske ghar main gaya nahi, wo janam जन्म से उसी का हूँ मैं, जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं. थैंक यू, थैंक यू विमल जी. बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रोमांटिक गजल थी आपकी और बहुत अच्छी सुनाई आपने, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, वेरी डीप. थैंक यू, वेरी सोलफुल, वेरी डीप. आई थिंक उषा मैम मस्ट हैव एंजॉयड द ट्रांसलेशन आल्सो. आई नॉट ओनली एंजॉयड इट वाज द इवन विदाउट द ट्रांसलेशन द लाइंस वर गोइंग डीप इनटू अ काइंड ऑफ लैमेंटिंग आई कुड फील, पैथोस आई कुड फील, एंड स्टिल आई एम फीलिंग दैट. I feel very sad on hearing that unexpressed love. That is an what to say, we cannot explain at all. That depth of that feeling that was there, I could feel it. Very nice. Thank you, madam. Thank you. Initially, Usha madam, the ghazal was started like this. Poets and shayar used to lament. They used to complain to their beloved, generally to their beloved or to the society. They previously 200-300 years back, the tone of the ghazal, the style and idea of the ghazal was this, which you are saying. Now they have switched over to politics, spiritual and social also. But previously it was like that. Wow, very nice. Nirmal ji, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. Thank you. गनीमत है हम लोग घर पे बैठे नहीं, तो हम भी दो तीन स्टाफ आगे चले जाते.
ये थोड़ी सी बहुत मतलब बहुत ही अच्छी मीनिंगफुल आपने ये सुनाई। थैंक यू सर रियली। विमल जी सारी हाँ जी बोलिए बोलिए रहे जी। विमल जी सारी लाइनें दिल को छू लेने वाली थी। थैंक यू रेजा जी, थैंक यू, बहुत अच्छी लगी। मैं आपके दिल तक पहुंचा भगत भाई, तो कितनी बढ़िया किस्मत है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे थे सर। मैं भी यही कहूंगा कि हमारी भी दो तीन स्टॉप्स आगे निकल जाती है गाड़ी अगर आपकी गजल सुनते अगर हम आपके साथ गाड़ी में बैठते हम भी अपना स्टॉप भूल जाते। बहुत सुंदर थे स्टॉप नहीं वो ट्रेन ही मेरे को लगता है छूट जाती विमल जी मैं ये कहना चाहता कि हमेशा की तरह इस बार भी आपकी गजल बहुत शानदार थी। मतलब आप बड़े एफर्टलेसली हमको एक दूसरी रोमानी दुनिया में ले जाते हैं अपनी गजलों के द्वारा, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है हम लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गजल। थैंक यू सर।